Hello students, my name is Parminder Kaur and I welcome you to my channel Edu Classes. Students, आज हम सीखने वाले हैं prime and composite numbers के बारे में कि हम कौन से numbers को prime और कौन से numbers को composite कहते हैं. मैंने आपसे अपनी last video में एक question पूछा था कि हमारे पास कौन सा ऐसा number है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही factor है. जब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे थे जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के फैक्टर फाइंड किए थे. तो स्टूडेंट्स, आज हम उस चीज को समझेंगे कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है. तो चलिए अब इसे समझते हैं. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने एक टेबल फॉर्म की है यहाँ पर एंड हियर सम नंबर्स आर रिटन. I have written the numbers from 1 to 12. Okay, now I will fill this table, the column of factors and number of factors. Number is 1, so the factor of the factors of 1 will be which numbers? 1 has only the one factor, that is 1. Okay, can any other number will be the factor of 1? Is it possible, students? No, it is not possible. Now students, how many factors a number 1 has? Number 1 has only the one factor. आपको लिखना है यहाँ पर कि 1 के कितने factors हैं. So the number of factors will be 1. Clear? Now come to the next number, 2. 2 has how many factors? 1 and 2. Clear? 3, 1, 3. Just like this, 4, 1, 2 and 4. Clear? Now come to 5. 1, 5. आपको जैसे हमने previous video में सिखाया था students, आप वैसे ही factor find कर सकते हैं. और जब आपको practice हो जाएगी, तो आप उसको easily लिख पाएंगे. Now come to 6. 1, 2, 3 and 6. Come to 7. 1 and 7. Come to 8. 1, 2, 4 and 8. Okay, now come to 9. 9, 1, 3 and 9. Okay, now come to 10. 1, 2, 5 and 10. 11. 11 has two factors, 1, 11. Come to the last number on the table, 12. Now 1, 2. It is divisible by 3 also. 3, 4s are 12, so 3 will come. It's divisible by 4 also, so 4 will come. Now it's not divisible by 5. Next number will be 6 because it is divisible by the 2 and 3 both. So 6 will come here, the next number. And after 6, 12 will come. Clear students? Ki maine kaise fill kari, aap kar sakte usko easily fill. Ab humne kya karna hai? Jo hamara next column hai, number of factors ka. Isko fill karna hai. अब यहाँ पर देखिए 1 के कितने फैक्टर्स है, नंबर ऑफ फैक्टर्स 1 है, तो हमने यहाँ पर इसको 1 लिख दिया. अब देखिए यहाँ पर कितने फैक्टर्स है, 2, तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स मेंशन कर दूंगी 2. यहाँ पर भी कितने हैं, 2, 3, 2, 4, 2, 4, 3, this one has 3, after that 4, 2 and it has 6 factors. अब हमें क्या करना है, इस टेबल को फिल करने के बाद हमने यहाँ पर कुछ ही नंबर्स को एज एन एग्जांपल लिया है, तो अब इसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि नंबर्स के कितने फैक्टर्स आ सकते हैं. मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स तो फाइनाइट होते हैं, लेकिन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स है और या फिर सिर्फ 2 फैक्टर्स है. और 1 तो हमें पता ही है, ऐसा नंबर है जिसके पास एक ही फैक्टर्स है, वो है नंबर इटसेल्फ, वो खुद ही है अपना फैक्टर. और बाकी नंबर्स कैसे हैं देखते हैं. टू फैक्टर, 3, 2, 4, 2, 4, 3. इट मींस हम जब इसको ऑब्जर्व करें तो हमें ये पता चल रहा है कि या तो नंबर के पास 2 फैक्टर्स है, वी आर एक्सक्लूडिंग हियर 1. ओके, 1, नंबर 1 इज द केस ओनली विच हैज ओनली द वन फैक्टर एंड नंबर इटसेल्फ. अब इसके बाद हमें इसको एक्सक्लूड करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग नंबर्स हैं उनमें हम चेक करेंगे, तो उनमें कौन कौन से नंबर्स हैं, ये हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल रहे हैं. तो इनमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि या तो सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं या फिर उससे ज्यादा फैक्टर्स हैं.
क्लियर। अब ये ऑब्जर्व हमने कर लिया इस फैक्टर टेबल से। सो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि वन के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हम अगर ऑब्जर्व करें तो क्या मिल रहा है हमें कि या तो नंबर ऑफ फैक्टर टू आ रहे हैं या फिर नंबर ऑफ फैक्टर टू से ज्यादा आ रहे हैं। हमें वन को नहीं देखना है क्योंकि वन का सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है। तो अब हम नंबर्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ऐसे नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स हैं और ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर है। तो जिनके दो फैक्टर होते हैं तो वो दो फैक्टर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जिनके दो फैक्टर्स हैं यहाँ पर देखिए टेबल में, उनके फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो आ रहा है वन, सब में वन आएगा। जिनके भी टू फैक्टर्स हैं उनमें सब में एक फैक्टर वन होगा कॉमन, यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं देखिए, ठीक है। और जो सेकेंड फैक्टर होगा वो क्या है? नंबर इटसेल्फ। यहाँ पर जैसे मैंने टू के फैक्टर्स निकाले हैं तो टू होगा, थ्री के फैक्टर्स निकाले हैं तो थ्री होगा, ऐसे फाइव के फैक्टर्स निकाले तो फाइव होगा। तो हमने नंबर्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक वो जिनके टू फैक्टर्स हैं एंड टू फैक्टर्स कौन से हैं, एक है वन और दूसरा है नंबर इटसेल्फ, और दूसरी कैटेगरी नंबर की वो है जिसमें टू से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस बेस पर हमने नंबर्स को टू कैटेगरी में रखा और उनको नेम दिया प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। अब कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो प्राइम है दो कैटेगरीज में से? अभी हमने डिवाइड किया ना कैटेगरी में, तो उन कैटेगरी में कौन से नंबर्स को हम प्राइम कहेंगे और कौन से नंबर्स को कॉम्पोजिट कहेंगे? तो स्टूडेंट्स, वो नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स थे, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, ओके, दोज नंबर्स विल बी कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ओके, those numbers other than one which have only two factors one and the number itself they are called prime numbers। तो ये हो गए हमारे prime numbers, ठीक है। तो prime numbers कौन कौन से हुए students? यहाँ पर prime numbers कौन कौन से हैं? two है क्योंकि two के सिर्फ दो factor हैं। दूसरा prime number three है क्योंकि इसके जो है two ही factors हैं। ये हो गया next, उसके बाद ये है, अब हमारे पास आ गया 11, ठीक है। तो ये नंबर्स कैसे हैं? प्राइम नंबर्स। अब कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होंगे? जो दूसरी कैटेगरी वाले हैं वो कॉम्पोजिट होंगे। तो कॉम्पोजिट नंबर कौन से होंगे? दोज नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। अब ये जो बचे हुए नंबर्स हैं, वन को हमें कंसिडर नहीं करना है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है। तो इसको हम कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ना प्राइम में ना ही कॉम्पोजिट में। तो यहाँ पर मैं क्रॉस कर रही हूँ किसको, जो क्या है कॉम्पोजिट है, ठीक है। तो ये वाला नंबर क्या होगा? ये वाला नंबर ये कैसा है? कॉम्पोजिट नंबर है। ये भी कैसा नंबर है? कॉम्पोजिट नंबर है। ये भी कैसा है? कॉम्पोजिट नंबर है। तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे कि कौन कौन से नंबर्स कॉम्पोजिट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, हमने एक टेबल ली जिसमें हमने कुछ ही नंबर्स को लिया है वन से लेकर ट्वेल्व तक, और हमने ये समझा कि नंबर्स को हम उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स के बेस पर टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होगी प्राइम नंबर्स की और दूसरी कैटेगरी होगी कॉम्पोजिट नंबर्स की। तो और एक इंटरेस्टिंग चीज हमने ये समझी कि वन ही एक ऐसा नंबर है जिसका ओनली वन फैक्टर होता है। That is why we say that it is neither a prime number nor a composite number.